नमस्कार दोस्तों, आपने टार्जन द वंडर कार मूवी तो देखी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी मूवी की कार टार्जन के बारे में बताऊंगा कि मूवी के समय कार कैसी थी और अब 2017 में कार की हालत कैसी हो गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी में जो कार दिखाई गई थी वह टोयोटा MR2 पर बेस्ड थी। इस कार को DC ने डिजाइन किया था। इसकी तुलना फेरारी 348 और फेरारी 355 से की जाती थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होने के कारण यह कार कभी लॉन्च ही नहीं हो पाई। दोस्तों, अब 2017 में इस कार की हालत ऐसी हो गई है। दोस्तों, फिल्म में रिलीज के बाद इस कार को 2 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा था, लेकिन उस समय इसे किसी ने नहीं खरीदा। बाद में 2006 में फिर इसे बेचने का प्रयास किया गया। उस समय इसकी कीमत 35 लाख रुपये रखी गई थी, लेकिन उस समय भी इसे किसी ने नहीं खरीदा। तब से यह कार ऐसी ही पड़ी है। देखिए दोस्तों, 2004 में कैसी कार थी ये और अब 2017 में इसकी हालत कैसी हो गई है। जंग लगने से पूरी कार खराब हो गई है। दोस्तों, ये रहे इस कार के नंबर MH01 M37। दोस्तों, इस कार की हालत देखकर लग ही नहीं रहा है कि यह कार वही है जो सभी के लिए ड्रीम कार हुआ करती थी। चलिए दोस्तों, अब इस कार के अंदर का लुक देखते हैं। अंदर से तो कार ठीक ठाक ही नजर आ रही है, बस धूल जमी हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए उन्हें कि देखो तुम्हारी ड्रीम कार कैसी हो गई है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।